A very good morning, viewers. Welcome to the talk series by Flora Fauna Science Foundation. Our season's theme, as you know, is Fasal Se Safal. And joining in today for our 22nd talk today is Dr. Ashutosh Pandey, scientist, National Institute of Plant Genome Research, New Delhi. We have Professor S.P.S. Khanoja, Dr. A.K. Singh, and Dr. Neeraj Jain here on board with us. So without further waiting, I request our founder chairman to put his thought forward before we begin. Thank you, Manika. Welcome, Dr. Ashutosh Pandey from NIPGR. I also welcome Dr. A.K. Singh, Dr. Neeraj Jain, Sarika, I can see, and many others of Flora Fauna Science Foundation who are likely to join on Zoom or on Facebook to listen to this very important talk, which is going to break barriers, in my opinion. Barriers, when I say, it means barriers in thinking that this is an urban technology, but we are talking of rural entrepreneurship. And I'm sure Dr. Ashutosh is going to do a full justice to that, so that the farmers and sons and daughters of farmers get attracted to this and become entrepreneurs. To begin with, let me also say the things in Hindi for many of our farmers and entrepreneurs, jo hamare udyami hain, jo hamare krishak hain, aur wo sabhi vidyarthi aur hamare sahyogi jo aaj is manch par jude hain, jo Flora Fauna Science Foundation pradan karti hai. Gyan ki baat hum web series par karne ki koshish karte hain, jo ki visheshagyon dwara, experts के द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है. और हम तरह तरह के विशेषज्ञ और विज्ञान की बातें लेकर आते हैं आपके सामने. और इससे पहले कि हम आज की बात करें, मैं आपको एक बार फिर से फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगा, इस मंच के बारे में बताना चाहूँगा. फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन एक ऐसी परिकल्पना थी जो हमने एक स्वप्न के रूप में देखी थी, और उसमें हमारे ये सभी साथी जो आप आज भी देख रहे हैं और भी जो जुड़े हुए हैं, वो विज्ञान से, वो किसान, वो गांव से, वो विद्यार्थी भी हैं, वो व्यवसाय या बिजनेस में भी जुड़े हैं, बहुत सारे उद्यमी भी हैं. और आश्चर्य की बात है कि समाज के कई अंग, जैसे कि मीडिया और सीए, वकील और जो जागरूक नागरिक हैं, ये सभी इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं. तो हम में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि एक तरफ विज्ञान है और दूसरी तरफ समाज है. हम समझते हैं समाज और विज्ञान जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत कुछ किया जा सकता है. और हमने जो एक मिशन बना रखा है कि विज्ञान द्वारा न्यूट्रिशन यानी कि पोषण व स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, इनको हमें समाज तक पहुंचाना है उन खोजों द्वारा, उन डिस्कवरीज द्वारा जो बहुत सारे संस्थान करते रहते हैं, लेकिन उनकी पहुंच वहां तक नहीं हो पाती है जो कोने कोने में दूर दराज इलाकों में बैठे हैं. सो रीचिंग द अनरीच्ड अप्रोच लेकर, ना पहुंचो तक पहुंच वाली एक तरीका लेकर हम आगे बढ़ते हैं. और उसके लिए हमने एक नाम भी दिया है जिसको हम ई विलेज कहते हैं या एंटरप्रेन्योरियल विलेज कहते हैं. एंटरप्रेन्योरियल विलेज एक कोई अकेला गांव नहीं होता है. इसका मतलब है जहां पे जो विलेजर्स हैं, जो ग्रामीण निवासी हैं, ग्रामवासी हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसान हो या दूसरे लोग हों, वो जब उद्यमिता की ओर बढ़ जाते हैं तो वो एक जन्म देते हैं ई विलेज को या उद्यमी गांव को, जो कि एक से ज्यादा गांव मिलकर भी हो सकते हैं, जिसको कि क्लस्टर कहा जाता है. तो हमने जब ये वाली मंच को एक रूप दिया तो हमने इसको सोचा कि इसको क्यों ना एक विषय दिया जाए, हर वर्ष थीम दिया जाए हर वर्ष. तो पहले वर्ष का हमारा जो थीम था वो था खेत से सेहत, कि किस तरह से हम फ्रॉम फार्मर्स फील्ड वी कैन मेक हेल्थ हेल्थ इंग्रेडिएंट्स, हेल्थ पॉसिबिलिटीज, कैसे हम गांव में जाकर खेतों में
स्वास्थ्य को पैदा कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स को पैदा कर सकते हैं, या फार्मिंग टू फार्मिंग में एफ से पीएच स्पेलिंग में ले आए तो पीएच ए आर एम आई एन जी वाली फार्मिंग भी हो सकती। फिर दूसरा वर्ष क्योंकि हम खेत से सेहत कर रहे थे तो सेहत का जो कारण है, जो आधार है, वो पोषण है। तो हमने शुरुआत करी पोषण से रोशन, किस तरीके से हम न्यूट्रिशन से एम्पावर कर सकते हैं सोसाइटी को, किस तरीके से समाज रोशन हो सकता है, उद्योग रोशन हो सकता है, गांव रोशन हो सकता है और देश रोशन हो। और पोषण से रोशन करते हुए जब हमने ये पाया कि इसको करने के लिए सबसे बड़ा योगदान कृषि का होगा, तो हम आगे बढ़कर आए तीसरे वर्ष में एक थीम लेकर, कृषि से खुशी। तो कृषि से किस तरीके के लोगों के चेहरे पर खुशी आ सके, किस तरीके से उसकी आर्थिकी बदली जा सके, किस तरीके से नए आयाम लाए जा सके जिससे लोगों को वो लाभ मिल सके कि ना केवल वो नौकरी ढूंढ रहे हों, नौकरी देने वाले भी बन सके, सेल्फ एम्प्लॉयड हों, उद्यमी हों और अच्छी नौकरी भी पा सके। तो हमारा विशेष ध्यान किसानों की अगली पीढ़ी पर, जो कि बच्चे हैं, चाहे वो बेटे हैं या बेटियां हैं, वो पढ़ लिख कर अब आगे आ चुके हैं, तो किस तरीके से उनको समर्थ बनाया जाए तो उससे एक मुस्कान आ सके पूरे समाज में। और इस वर्ष जब हमने शुरुआत करी तो हमने इसको कहा फसल से सफल। तो आज जिस थीम पर हम काम कर रहे हैं या जिस पे बात भी करेंगे वो फसल से सफल है। फसल जब हम कहते हैं, कई बार हम अगर अंग्रेजी में बात करें तो उसको क्रॉप सोच लेते हैं कि क्रॉप का मतलब फसल है, कि जो भी आपने क्रॉप लगाई वही फसल है। लेकिन हमारा ये मानना है कि किसी भी एक उद्यमिता, जो कृषि की उद्यमिता है, उसका जो उत्पाद है, जो उसकी हार्वेस्ट है, वो फसल है। तो हार्वेस्ट को किस तरीके से हम एक सक्सेस में ला सकते हैं, किस तरीके से सफलता बना सकते हैं, और वो हार्वेस्ट के क्या क्या रूप हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं है बीज से बीज हो या बीज से फल हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो आज जब हम बात करेंगे, आप आगे देखेंगे कि डॉक्टर आशुतोष जब आपसे अपने विचार देंगे और अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, वो बताएंगे आपको कि किस तरीके से एक शहरी सोचे जाने वाली प्रौद्योगिकी, जिसको समझा जाता था कि केवल लैब तक सीमित है, ये प्रयोगशाला के बाहर नहीं जाती है, टिश्यू कल्चर यानी कि ऊतक संवर्धन। अब ऊतक आप जानते हैं कि वो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो पौधे की हों, हमारी हों या किसी भी जीव की हों, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर हमारे अंग बनाते हैं और अंग मिलकर हम एक जीव बनाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को समझते हुए जब आप शुरुआत करते हैं किसी भी ऊतक या टिश्यू से, और उससे आप तरह तरह के, चाहे वो अंग हो या अंग जैसे काम करने वाले टिश्यू बन सकें जो आपको वो लाभ दे सकें जो एक फसल देती है, तो टिश्यू कल्चर की फसल अपने आप में ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। और ये प्रौद्योगिकी आज इस स्तर पर आ चुकी है कि कृषक अपने घर में भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और जब वो अपने घर में, अपने बरामदे में या अपने एक छोटा सा कमरा बनाकर उसमें करेंगे, उनको ये सीखना आवश्यक हो जाता है कि क्या फर्क है टिश्यू कल्चर और जो साधारण खेती है। टिश्यू कल्चर में किस तरीके से हम सैनिटेशन और किस तरीके से हम उसको एसेप्टिक बना सकते हैं ताकि वहां पे कीटाणु या इस तरीके के जीवाणु जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो ना आए। और एक जो कोविड द्वारा एक स्थिति पैदा हुई थी जिसमें हम सब लोगों ने सैनिटेशन सीख लिया है, बहुत ही लाभकारी है इस प्रौद्योगिकी को रूप देने के लिए। तो टिश्यू कल्चर द्वारा सबसे जो समझ में आने वाला सीधा सीधा एक आयाम है, जो एक संभावना है, उसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन द्वारा आप संवर्धन करते हैं एक पौधे से कई पौधे, तो वैसे के वैसे जैसा पेरेंट था वैसे ही पौधे बना के, तो यानी कि आप प्लांटिंग मटेरियल जो शुद्ध हो उस तरीके का बना सकते हैं, उसको उसका संवर्धन कर सकते हैं और एक नर्सरी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। लेकिन जब हम फसल की बात करते हैं तो सिर्फ नर्सरी तक तो सीमित नहीं रह सकते, उसको तो आगे भी उगाना है। तो इसलिए हम जिसको कैप्टिव कल्टीवेशन कहा जाता है उसकी ओर भी बढ़ सकते हैं। आजकल आपने हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक्स भी सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा ऑफ सीजन फसलें ली जा सकती हैं, वो सब संभावनाएं जिसको कैप्टिव कल्टीवेशन कहा जाता है उसकी ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो जो लोग
थोड़ा अच्छे तरीके अच्छे स्तर पर कर सकते हैं, तो इसी से बायोरिएक्टर बन सकते हैं। बायोरिएक्टर का मतलब है कि आप बजाय इसके कि उससे कुछ केवल फसल जिसको हम कहते हैं या जो हार्वेस्ट कहते हैं फल या बीज वहां तक ना सीमित रह के उससे बनने वाले केमिकल कंपाउंड जो पौधे बनाते हैं जो कि फार्मा में भी जा सकते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स भी बन सकते हैं और बड़ी सारी चीजें बना सकते हैं जो कि बहुत छोटे कमरे में और सीजन का ध्यान रखने की ना जरूरत रखते हुए आप किसी भी ऋतु में उसको आप बना सकते हैं। और उससे आगे जो भविष्य की मैं हमेशा बात करता हूँ, जो फ्यूचर होगा एग्रीकल्चर का, जो भविष्य होगा एग्रीकल्चर का, सेल एग्रीकल्चर यानी कि प्रिसीजन फर्मेंटेशन, मतलब हमें ना पौधे की जरूरत हो, ना हमें पशु की जरूरत हो या एनिमल की हो, ना हमें जमीन की लैंड की। सो नो प्लांट्स, नो लैंड, नो एनिमल्स एंड स्टिल वी डू एग्रीकल्चर, ऐसा भी संभव है और ये सेल एग्रीकल्चर द्वारा होगा। प्रिसीजन एग्रीकल्चर आजकल बड़ा जोर पकड़ रहा है तो उसमें भी टिश्यू कल्चर का बड़ा रोल है। प्रिसीजन यानी सटीक, तो सटीक एग्रीकल्चर, सटीक फर्मेंटेशन द्वारा किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ये भी एक टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर के द्वारा आपको आगे मिलने जा रहा है। तो मैं आज और अधिक समय ना लेते हुए चाहूंगा कि आप और डॉक्टर आशुतोष के बीच में मैं ना खड़ा रहूं। मैं डॉक्टर नीरज जैन से निवेदन करूंगा कि वो आपका परिचय दें और उसके पश्चात डॉक्टर आशुतोष पांडे अपना व्याख्यान देंगे जो कि ग्रामीण उद्यमिता के लिए होगा। डॉक्टर नीरज जैन। थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम डॉक्टर आशुतोष पांडे टू द फोरम। नाउ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर लीड स्पीकर टुडे for the benefit of this audience. Dr. Ashutosh Pandey is currently a scientist and group leader at the National Institute of Plant Genome Research, New Delhi, and visiting scientist at the Chair of Genetics and Genomics of Plants, University of Bielefeld, Germany. He has been working in the area of plant metabolomics and metabolic engineering for more than a decade. His main focus of research includes an in-depth understanding of plants' specialized metabolic pathways and metabolic engineering of crop plants for value addition. Dr. Pandey is the recipient of INSAM Medal for Young Scientist, member of Indian National Young Academy of Science, INYAS, New Delhi, and Professor Sushil Kumar Innovation ISKIA 2022 Award from Flora Fauna Science Foundation. He is also the fellow of the prestigious Alexander von Humboldt Foundation, Germany. He has published more than 55 research publications in the Journal of International Repute with cumulative impact factors of more than 300. Recently, Dr. Pandey established a state-of-art dedicated plant metabolomics facility at NIPGR. This facility is open to all internal and external users. Currently, Dr. Ashutosh Pandey is coordinating the national program of the National Certification System for Tissue Culture Plants, Tissue Culture Based Plants, NCS-TCP, as the principal investigator. This is the mandated activity of the Department of Biotechnology, DBT, Government of India, for the tissue culture sector established as per the Gazette of India notification under Seeds Act 1966. The aim of this national level program is to facilitate the production and distribution of virus-free quality tissue culture plants for the benefit of farmers in the country. With this brief introduction, I hand over the platform to sir. It's over to you, sir. Thank you, Dr. Neeraj, for kindly introducing me. And I also, first of all, I would like to thank Professor Khanuja sir and Dr. A.K. Singh for kindly inviting me to deliver this my talk on this very important theme, Fasal Se Safal, at the platform of Flora Fauna Science Foundation. And first of all, I'd like to congratulate Flora Fauna Science Foundation for doing excellent work to connect science with society. So, as Khanuja sir already
good that audience will be both from the students, entrepreneurship, as well as our farmers. So I would like to make a balance between both English and Hindi to convey what is the tissue culture and how the tissue culture technology will be beneficial for our farmers as well as our tissue culture industry. So if we are Khamujas are already explained in a very nice way the benefits of the tissue culture and how the tissue culture technology can be developed in every home or in every villages. So small industries can be set up. So if we say in a very common language, so just as every person is different and unique, so each plant is also different. So some plants have better traits and better yield, and for years scientific research is going on for the methods how to make the exact copies of these plants that have good traits and good production. इसी की दिशा में कृषि में क्रांति लाने के लिए भारत सरकार ने प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री के क्षेत्र में. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू प्लांट टिश्यू कल्चर के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के साथ ही प्लांट टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज का भी व्यवसायीकरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. सो NCSTCP के द्वारा करीब करीब 12 क्रॉप्स जो कि इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस रखते हैं उनका ऑलरेडी प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश कर दिया गया है और ये क्रॉप्स इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रही हैं और फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर की जा रही है. इसमें मुख्यतः बनाना है प्लस पोटैटो आलू बम्बू शुगर के एप्पल सिट्रस वेनिला एज वेल एज ब्लैक पेपर और चार और क्रॉप्स जो कि डेट पाम टी पोमग्रेनेट और पाइन एपल है. इसका भी नोटिफिकेशन हमारे कृषि मंत्रालय से बहुत जल्द आने वाला है. इसके अलावा जरबेरा जो कि ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है इसको भी हम लोग प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे हैं. So, इसी के साथ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है टोटिपोटेंसी. सो टोटिपोटेंसी वाज क्वाइंड बाय द जर्मन साइंटिस्ट एंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टोटिपोटेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल सेल टू ग्रो इनटू कंप्लीट प्लांट. तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको लैब में ग्रो किया जाता है सेल्स को और ये एक समझने के लिए मैंने लगा दिया है डिफरेंट सेल प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया गया और इससे हम बहुत सारे लाखों प्लांट जनरेट कर सकते हैं इस छोटी सी बॉटल से. तो यहाँ पर और ये सारे प्लांट्स वायरस फ्री और एक अपने पैरेंट प्लांट के तरीके से होते हैं. तो यहाँ पर जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी और ये वायरस फ्री प्लांट होते हैं. इसी के तरह हम एक हेल्दी प्लांट से बनाना कार्न ले लेते हैं और उसका मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंट स्टेप्स में हम बहुत सारे प्लांट्स जनरेट कर सकते हैं और इसमें रूट सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होता है इसलिए ये बहुत जल्दी फार्मर्स के फील्ड में सेटल हो जाता है और इसकी प्रोडक्टिविटी भी नॉर्मल प्लांट से करीब करीब 40-45% ज्यादा होती है. इसको हम और आने वाली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ दिस प्लांट्स कैन बी बेनिफिशियल फॉर आवर फार्मर्स एज वेल एज इंडस्ट्री. तो पहले आई वुड लाइक टू शेयर द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी. सो हियर द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द डिजायर्ड प्लांट इन एन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंटल कंडीशंस. यहाँ पर हम लोग एक टिश्यू लेते हैं प्लांट्स का जिसका हमें बहुत सारा प्लांट्स डेवलप करना होता है उसको एक आर्टिफिशियल मीडिया पर एसेप्टिक कंडीशन में ग्रो करते हैं. ये आर्टिफिशियल मीडिया में मुख्यतः कार्बन सोर्स होता है जो और दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कॉमनली
एमएस मीडिया हम लोग ग्रो करते हैं वो अलग अलग क्रॉप्स के लिए, वो एमएस मीडिया का मॉडिफाइड वर्जन होता है, उसके साथ कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। इसको हम लोग लैबोरेटरी में लैमिनार पे ग्रो करते हैं और उसके बाद वहां से मल्टीप्लीकेशन और हार्डनिंग यूनिट्स में प्लांट्स को एक्लेमेटाइज करते हैं। सो वो टिश्यू कोई भी हो सकती है, या तो लीफ स्टेम और सकर, कोई भी टिश्यू, जो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्लांट मल्टीप्लाई करते हैं उसके तरीके से, और हम वो टिश्यू सेलेक्ट करते हैं और फिर उसका रीजनरेशन करके कंप्लीट प्लांट डेवलप करते हैं। और ये प्लांट्स बिल्कुल अपने पेरेंट्स प्लांट के तरीके से होता है, और इसका एडवांटेज ये होता है कि ये सेम जीनोटाइप होता है एज इनके साथ मदर प्लांट। सो यहाँ पर हमको बहुत सारे प्लांट्स को, अगर हमें बहुत सारे प्लांट्स फार्मर्स को सप्लाई करने हैं तो हम उसको एक कन्वेंशनल प्रोसेस से नहीं जनरेट कर सकते हैं उतनी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर अच्छी चीज ये होती है कि एक सिंगल प्लांट से हम थाउजेंड ऑफ प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये जो क्लोन्स होते हैं ये ट्रू टाइप होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं जो कि मदर प्लांट्स के तरीके से होते हैं। इसके यहाँ पर लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो प्लांट्स का मल्टीप्लीकेशन हो वो कम्प्लीटली एसेप्टिक कंडीशंस में, माइक्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस में हो पहले, और उसके बाद जब हार्डनिंग हो जाती है हार्डनिंग यूनिट में, उसके बाद प्लांट्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं फार्मर्स के फील्ड में, और वो प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से फार्मर्स के फील्ड में ग्रो करेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी देगा। इंडस्ट्रीज यूटिलाइज कर रही हैं ये टेक्नोलॉजीज को फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ द सुपीरियर ग्रेड प्लांट मटेरियल ऑफ डिजायर्ड क्रॉप्स। ये डिपेंड करता है हम किस जियोग्राफिकल लोकेशंस में हैं, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उसके आधार पर वहाँ की क्रॉप सेलेक्ट करके इसको टिश्यू कल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो क्रॉप हम अपने किसान भाइयों को प्रोवाइड करते हैं, और वो किसान की प्रोडक्ट उसमें कि फसलों की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है जो कि हम लोग कन्वेंशनल मेथड से जो खेती करते हैं। तो यहाँ पर टिश्यू कल्चर की इम्पोर्टेंस नेचर के लिए भी है, इंडस्ट्रीज के लिए भी है, फार्मर्स के लिए भी है और कंज्यूमर्स के लिए भी है। इसको हम एक एक करके बताएंगे कि कैसे टिश्यू कल्चर इज हेल्पिंग द नेचर, इंडस्ट्रीज, फार्मर्स एज वेल एज अवर कंज्यूमर्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर सिंगल एक्स प्लांट से, इवन सिंगल सेल से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं लाखों प्लांट्स को और बहुत कम समय में। यहाँ पर हमको क्रॉप रोटेशन, क्रॉप साइकिल, और या ये नहीं सीजन नहीं देखना होता है, इसको हम लैब में बहुत कम समय में प्लांट्स अलग अलग वराइटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कम समय में। और सबसे अच्छी चीज इसकी टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की ये है कि इसको हमें यहाँ पर मदर प्लांट डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ता है। तो बहुत सारी क्रॉप स्पीसीज जो कि डेंजर्ड हो रही है, सामान्य भाषा में कहें तो जो बहुत सारी स्पीसीज लुप्त हो रही है, उसको हम टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इसको सेव कर सकते हैं ऐसी क्रॉप स्पीसीज। और ये प्रोसेस एक बार जब इस्टेब्लिश हो जाता है, ये हम बनाना का एक एग्जांपल बता रहे हैं जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं टिश्यू कल्चर के, तो एक बार ये प्रोसेस इस्टेब्लिश हो गया लैब में तो ये कंटिन्यूअसली प्लांट को सप्लाई कर सकता है थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पर ये आप जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक बनाना का कान लेकर के बहुत सारे प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है और ये सारे प्लांट्स मदर प्लांट के जैसे ही हो। तो इसके लिए टिश्यू कल्चर सेटअप के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें कौन सा क्रॉप यूज करना है, कौन से क्रॉप का टिश्यू कल्चर करना है, उसके लिए कौन सा टिश्यू एप्रोप्रिएट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्रॉप टू क्रॉप चेंज होता है एप्रोप्रिएट टिश्यू किन के साथ बनाना। हम लोग कॉर्न लेते हैं और उसको पहले स्टरलाइज करते हैं लैब में, जिससे कि बैक्टीरिया और जो बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं वो
कम हो जाए, अदरवाइज इसको क्यों हम लोग ग्रो करते हैं आर्टिफिशियल मीडिया पर जो कि इसमें कार्बन सोर्स के लिए सुक्रोज भी यूज होता है, तो उससे अगर बैक्टीरिया रहेगा तो ये इससे बैक्टीरियल ग्रोथ काफी ज्यादा हो जाएगी और वो मेन टिश्यू जो हमारा कार्न है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है उसको ही मार देगा। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट टिश्यू के साथ सुटेबल ग्रोथ मीडिया चाहिए होता है जो कि मुख्यतः कार्बन सोर्स और इनऑर्गेनिक साल्ट प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ ग्रोथ कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होते हैं और ये मीडिया लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं प्रयोगशाला की एक फोटो है जो कि हमारी एक NCSTCP रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी तिरुपति फेस्ट से मुझे मिली है। यहाँ से ये फोटो देख सकते हैं कि कंप्लीटली एसेप्टिक कंडीशंस में ये प्लांट्स का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। ये लैमिनार एयर फ्लो है और ये सारे टिश्यू कल्चर एक्सपर्ट्स हैं जो कि बैठ करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये टेक्निक कोई भी हमारा स्टूडेंट्स जो कि 10th 12th पास है वो आराम से सीख सकता है और इस प्रोसेस को कर सकता है ट्रेनिंग लेकर के। ये है और इसके साथ ये प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो बेसिक स्टेप्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं फॉर ऑल द प्लांट्स, हाउएवर थोड़ा थोड़ा इसमें वेरिएशन होता है क्राफ्ट टू क्राफ्ट। तो ये एक हम एग्जांपल शो कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर इज प्लांट्स फ्रॉम कॉर्न टू फ्रूट फॉर बनाना। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मदर प्लांट कॉर्न सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करने के लिए ये हम देखते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया भी कुछ रखते हैं जो कि ऐसे नहीं कि कोई भी कॉर्न सिलेक्ट कर लें, अगर इसमें डिजीज है वायरस हिस्ट्री रही है पहले से तो ये अफेक्ट करेगा क्रॉप प्रोडक्शन। इसके लिए हम लोग का कुछ क्राइटेरिया है जैसे कि प्लांट्स की हाइट क्या है जिससे हम कॉर्न ले रहे हैं, उसका डायमीटर कितना है, उसमें फ्लावरिंग टाइम कितने दिनों में आती है फ्लावर। सो ये डिफरेंट क्राइटेरिया है कि इसी क्राइटेरिया में अगर है तो उस मदर प्लांट को हम सिलेक्ट करते हैं, उसमें फूटिंग टाइमिंग क्या है, उसमें कितने फ्रूट्स आते हैं, तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि जिसको ध्यान रखा जाता है जब कॉर्न लिया जाता है। उसके बाद कॉर्न सिलेक्ट करने के बाद उसको लेबोरेटरी स्टरलाइज किया जाता है, फिर प्रयोगशाला में ले जाते हैं जहाँ की लेमिनार में इसको टिश्यू कल्चर मीडिया पर रख करके मल्टीप्लाई करते हैं। फिर भी इसको जब एक बार लैब में इनिशिएट हो गया मदर प्लांट के लिए तो इसकी सबसे पहले हम लोग वायरस इंडेक्सिंग करते हैं। वायरस इंडेक्सिंग अपनी कुछ हमारी भारत सरकार की प्रयोगशालाएं हैं चिन्हित प्रयोगशाला जहाँ पर ही इसको हम लोग जो कि सर्टिफाइड लैब्स हैं उसमें ये वायरस इंडेक्सिंग कर लेते हैं कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाए कि यहाँ पर कोई भी वायरसेस नहीं है जो कि प्लांट्स को अफेक्ट कर सकता है। इसको इसीलिए यहाँ पर जब एक बार हम आश्वस्त हो गए कि इसमें कोई भी ऐसा इंफेक्शन नहीं है जो कि हमारी क्रॉप यील्ड को या फार्मर्स दूसरे क्रॉप्स को अफेक्ट कर रहा है, उसके बाद ही हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो कि इसको हम 25-30 डेज में मल्टीप्लाई करते हैं। इसको करीब करीब 5 साइकिल इसको मल्टीप्लीकेशन होता है जो कि कंटिन्यूसली कटिंग और दूसरे दूसरे मीडिया पर सब कचरिंग कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं केवल एक टिश्यू में यहाँ पर बहुत सारे टिश्यू जनरेट होते हैं, फिर इसको कटिंग करेंगे दूसरे मीडिया पर रखेंगे, ऐसे 5 साइकिल्स को इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इसके बाद इसको हम जब अच्छे प्लांट्स मल्टीप्लाई हो गया तो 6 साइकिल पे इसको ग्रो कराते हैं कि कंप्लीट शूटिंग हो जाए और उसके बाद 7 साइकिल पर हम इसको रूटिंग मीडिया पर रखते हैं। इसमें कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो कि रूट्स को प्रमोट कर सकते हैं। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लांट्स को एक्लेमेटाइज करने के बाद यहाँ से मीडिया से प्लांट्स हम जब रूटिंग अच्छे तरीके से सेटअप हो जाती है तो इसको हम स्पेसिफिक सॉइल में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लांट ये बनाना का प्लांट्स कितना ज्यादा रूट है, अगर इवन यहाँ पर कंपेयर करें जो मदर प्लांट्स है उसमें भी इतनी रूट नहीं है जितना रूट सेट यहाँ पर छोटे से प्लांट में हो गया। तो उसके बाद फिर हम जब हार्डनिंग यूनिट में प्लांट्स को शिफ्ट करते हैं, फिर अब
फिर से वायरस इंडेक्सिंग और जेनेटिक फिडेलिटी टेस्टिंग करते हैं ये श्योर करने के लिए कि ये सारे प्लांट्स जेनेटिकली यूनिफॉर्म है और ये वायरस फ्री है। उसके बाद ही ये फार्मर्स के फील्ड में प्लांट्स को भेजा जाता है। ये सब डिफरेंट स्टेप्स है। यहाँ पर हार्डनिंग यूनिट में प्लांट्स लिया, हार्डनिंग यूनिट में हमने ये श्योर हो जाते हैं कि जितने भी ऑफ टाइप्स हैं वो रिमूव कर दिया जाए और प्लांट्स को एक्लिमेटाइज कर देते हैं कि वो डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस में सर्वाइव कर सके। फिर इसको सेकेंडरी हार्डनिंग यूनिट में रखते हैं जहाँ की हम लोग डिजीज और पेस्ट के लिए प्रिवेंटिवली स्प्रे करते हैं कि प्लांट्स में कोई ऐसा डिजीज ना रहे। इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी स्प्रे होता है। उसके बाद ऑफ टाइप जितने भी प्लांट्स होते हैं ऐसे जो कि जेनेटिकली यूनिफॉर्म नहीं है या कोई छोटा है कोई बड़ा है तो उसको हटा देते हैं। उसके बाद ही जो यूनिफॉर्म प्लांट्स होते हैं टू टाइप ऑफ मदर प्लांट्स उसी को फार्मर्स के फील्ड में भेजा जाता है। जहाँ आप देख सकते हैं कि टिश्यू कल्चर के द्वारा प्लांट्स जो कि फार्मर्स के फील्ड में लगाया जाता है उसमें कितने ज्यादा बनाना का फ्रूट आता है। तो और हम लोग अपने इंडस्ट्रीज को भी कहते हैं और ये कंपल्सरी है कि वो किसानों को ऐसा नहीं है कि प्लांट्स सेल कर दिया उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। टाइम टू टाइम जो एक्सपर्ट्स है वो किसानों को सलाह देते रहते हैं आफ्टर सेल भी जो और कि इसमें किस तरीके से कब आपको फर्टिलाइजर देना है कब पानी देना है कब क्या क्या उस डिफरेंट जो भी प्रोसेस होते हैं उसको उनके स्टाफ जा करके फील्ड में किसान भाइयों को समय समय पर सलाह देते रहते हैं और ये भी सलाह देते हैं कि रैतून क्राफ्ट के लिए आप क्या ले सकते हैं। इस तरीके से ये बनाना का एक मैंने एग्जाम्पल दिया। फिर अब इसी तरीके से बहुत सारे ये बनाना ही नहीं दूसरे भी क्राप्स हैं पोटैटो है एप्पल है जो कि बहुत अच्छी मार्केट हो सकती है इंडिया में टिश्यू कल्चर के लिए। सुगरकेन है तो प्लांट टिश्यू इसको देखते हुए कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर मार्केट इंडिया करीब करीब ये बहुत करीब करीब 2-3 साल पुराना डेटा है जो कि मार्केट करीब करीब 500 करोड़ रुपीज की है। इसमें बनाना पोटैटो सुगरकेन एप्पल जरबेरा स्ट्रॉबेरी बहुत सारे प्लांट्स हैं टी पोमग्रेनेट ये कुछ मेजर क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट है जिसकी कि हमारे किसान भाइयों का बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। इसके साथ ही जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं इसकी एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी ज्यादा है जो कि टिश्यू कल्चर ग्रोन होते हैं। तो इंडिया में करीब जो टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है 15% एनुअल रेट से ग्रो कर रही है जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज टिश्यू कल्चर के क्षेत्र में एस्टेब्लिश हैं। उसमें करीब करीब 200 कमर्शियल टिश्यू कल्चर प्रोडक्शन यूनिट्स इंडिया में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं जो कि करीब करीब 500 मिलियन प्लांट्स पर एनम प्रोड्यूस करती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए टिश्यू कल्चर सिलेक्शन किया गया कि इसमें हमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रोग्राम जनरेट करना चाहिए जो कि एक करेक्ट हो सके इंडस्ट्री टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज को हमारे फार्मर्स के साथ। तो यहाँ पर दोनों का हमें हित ध्यान में रखना है अपने किसान भाइयों का भी और टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज का भी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर का टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके फसलों के उत्पादन और उपज में काफी ज्यादा वृद्धि की जा सकती है और भारत में कृषि के विकास में क्रांति लाने के लिए भारत सरकार ने जिस नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम पर टिश्यू कल्चर बेस्ड प्लांट्स की स्थापना की इसको हम सामान्य भाषा में MCSTCP कहते हैं। और ये एक यूनिक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सीड एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया है और इसमें हम लोग इंश्योर करते हैं कि ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो कि टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज हमारे किसान भाइयों को करे ये क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ही डिस्ट्रीब्यूट करे। इसमें जब हम लोग दो स्टेज में टेस्टिंग करते हैं तो मदर प्लांट की और एक हार्डेंड प्लांट की उस जगह पर अगर प्लांट्स में कोई इन्फेक्शन है तो हम लोग उस स्पेसिफिक टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज में विजिट करके अपने स्टाफ को भेज करके सारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो कि हम आने वाली अपने स्लाइड्स में
बताएंगे कैसे उसका भी क्या प्रोसेस है डिस्पोजल करने का। तो ये भारत भारतीय राजपत्र में जो कि गजट नोटिफिकेशन ऑलरेडी इस प्रोग्राम का है, इसमें नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम 2006 में एस्टेब्लिश हुआ और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री का पार्ट है, उसने गजट इसको एज अ सर्टिफाइड एजेंसी किया जो कि गजट नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द सीट एक्ट में किया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज फ्री एंड क्वालिटी टिश्यू कल्चर प्लांट रूटिंग मटेरियल टू द फार्मर्स। ये प्रोग्राम को रन करने के लिए जब प्रौद्योगिकी विभाग ने इसका एक वेब स्ट्रक्चर प्रोग्राम बनाया जिसमें कि यहाँ पर डीबीटी एक सर्टिफिकेशन एजेंसी है और रेस्पॉन्सिबल है इसका सर्टिफिकेशन करने के लिए। तो इस डीबीटी ने सर्टिफिकेशन करने के लिए नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया और जो कि वर्क करती है इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद एपेक्स कमेटी और प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन कमेटी, जहाँ पर हम लोग समय समय पर किसी भी कंपनी की रिकॉग्निशन करने के लिए या उनका रिन्यूअल करने के लिए या जो हम प्लांट्स सर्टिफाई करते हैं इस कमेटी को रिपोर्ट करते हैं और समय समय पर अगर हमें जरूरत पड़ती है कोई एसओपी को चेंज करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए तो हम इस कमेटी से अप्रूवल कर लेते हैं। ये एक हाई लेवल कमेटी है एपेक्स कमेटी एंड प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन कमेटी, ये दोनों कमेटीज के कंसल्ट करने के बाद ही डीबीटी से अप्रूवल के बाद प्रोटोकॉल में चेंज होता है और उस प्रोटोकॉल को हम नोटिफाई कराते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। तो इस तरीके से और इसमें कोई भी अगर किसी को टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज को या हमारे किसान भाइयों को कहीं कोई समस्या लगती है कि हाँ यहाँ पर कुछ हो सकता है तो डेफिनेटली डीबीटी में अपील कर सकते हैं, डीबीटी इज द एपीलेट अथॉरिटी। तो दिस नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम वर्क्स विद टू रेफरल लैब एंड 5 एक्रेडिटेड टेस्ट लैबोरेटरी और उसके बाद फिर यहाँ ये हमारी प्रयोगशालाएं हैं, 5 चिन्हित प्रयोगशाला है जहाँ की हमारे टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज अपने प्लांट सेंड करती हैं तो उसको टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पर जो नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम है जिसको हम NMC कहते हैं नेशनल सर्टिफिकेशन सिस्टम और टिश्यू कल्चर प्लांट मैनेजमेंट सेल, तो ये मैनेजमेंट सेल की रिस्पांसिबिलिटी होती है ये रेफरेंस सेंटर टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज और जो कि टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज है इसके बीच में एक अच्छा समन्वय बनाए और समय समय पर टेस्टिंग हो जाए और केवल वायरस फ्री और जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्लांट की किसानों तक जाए। तो यहाँ पर इसको इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लोग मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन रखते हैं टिश्यू कल्चर लैब्स और रेफरल लैब्स के द्वारा और इसके साथ ही हम लोग समय समय पर टिश्यू कल्चर प्रोडक्शन यूनिट्स में विजिट करते हैं। इस विजिट में हम देखते हैं कि इसकी पूर्ण रूप से साइंटिफिक ऑडिटिंग होती है टिश्यू कल्चर एक्सपर्ट के द्वारा जो कि एक्रेडिटेशन पैनल होते हैं हमारे ये कमेटी भी डीबीटी की होती है। तो यहाँ पर अगर हमें लगता है कि कोई कंपनी हमारे सारे जो भी मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो कर रही है या अगर नहीं करती है तो उसका लाइसेंस रिजेक्ट हो जाता है। एक बार जब विजिट होती है तो लाइसेंस 2 साल के लिए दिया जाता है, हर दूसरे साल पर हम उनका साइंटिफिक ऑडिटिंग करते हैं और बीच बीच में भी हमें उनके हर महीने रिपोर्ट लेते हैं मंथली प्रोग्रेस की, कितना प्लांट उन्होंने जनरेट किया, कितनी टेस्टिंग हुई और उसको किस किस फार्मर्स को बेचा। और जो भी किसान भाइयों को भी चाहिए कि जब किसी भी टिश्यू कल्चर कंपनी से प्लांट खरीदे तो हमेशा ये देख लें कि उनको एक सर्टिफिकेशन लेवल मिलता है जो कि NCSTCP के द्वारा दिया जाता है कि ये आपके सारे प्लांट्स वायरस फ्री और जेनेटिकली यूनिफॉर्म है। रेफरल सेंटर इसके साथ ही 5 एक्रेडिटेड टेस्ट लेबोरेटरीज के साथ ही हमारे पास 2 रेफरल लैब्स हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नए नए प्रोटोकॉल्स डेवलप करें और उस प्रोटोकॉल को हम टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज के साथ शेयर करते हैं और कोई भी हमारी वेबसाइट से इस प्रोटोकॉल को
डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन कुछ भी ऐसा नहीं करने की जरूरत है, सिंपल NCSTCP की वेबसाइट से सारी प्रोटोकॉल, उसकी क्या क्या SOPs है, सब कुछ डाउनलोड किया जा सकता है। तो इसके साथ ही रेफरल लैब्स हमारी टाइम टू टाइम मैन जो कि एक्रेडिटेड टेस्ट लैब्स में मैन पावर से उसको ट्रेनिंग देता है। और इसके साथ ही जो टेस्टिंग भी हम दो तरीके स्टेप पे कराते हैं, एक तो हमारी ये 5 प्रयोगशालाएं हैं जो कि हमारे डिफरेंट लोकेशंस पे इंडिया में लोकेटेड हैं, और इसमें से हर 20वां सैंपल ये प्रयोगशालाएं भेजती हैं क्रॉस चेकिंग के लिए, जो कि रेफरल सेंटर में नई दिल्ली में हमारी एक वायरस इंडेक्सिंग के लिए लैब है IARI में, और दूसरी NIPV में है जो कि जेनेटिक फिडेलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर भी हम रिजल्ट को क्रॉस चेक करते हैं, अगर दोनों लैब में एक जैसा रिजल्ट है तभी उस रिजल्ट को हम लोग फाइनल रिजल्ट मानते हैं, और इसी के बेसिस पर जो हमारी एक्रेडिटेड लैब्स हैं ये इशू करती हैं सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी जो कि टेस्टिंग प्लांट्स को होते हैं, और कि ये क्वालिटी सर्टिफिकेट इशू होता है ये जाहिर करता है कि ये प्लांट्स वायरस फ्री है और जेनेटिकली यूनिफॉर्म है, और इसी के साथ NCSTCP सर्टिफिकेट लेवल इशू करती है। तो इस समय हमारे पास लगभग 100 कॉमर्शियल टिश्यू प्रयोगशालाएं जो कि एक्रीडिटेड है भारत सरकार से, वो प्लांटिंग मटेरियल जनरेट करती है और फार्मर्स को देती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये येलो हाईलाइटेड रीजन को छोड़ करके हमारी प्रयोगशालाएं भारत के हर क्षेत्र में उपस्थित हैं। अभी हमारी प्रयोगशाला जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल, असम, मेघालय और केरला में नहीं है, और बहुत जल्द हम लोग यहाँ पर भी जो इंडस्ट्रीज है उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कनेक्ट हो कि ये यहाँ पर इस रीजन में भी इंडस्ट्रीज डेवलप हों और प्लांट्स प्रोड्यूस करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रयोगशालाएं महाराष्ट्र और गुजरात रीजन में है। महाराष्ट्र में 21 टिश्यू कल्चर लैब्स हैं और गुजरात में 19 लैब्स हैं जो कि NCSTCP सर्टिफाइड लैब्स हैं। इसी के साथ ही इसी को ध्यान में रखते हुए जब की किस रीजन में कितनी प्रयोगशाला है उसी के अनुसार हम लोगों ने वहां पर एक्रेडिटेड लैब्स बनाई हैं कि इस इंडस्ट्रीज को प्लांट्स को बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े, प्लांट्स इजीली वो अपने हमारी रिकॉग्नाइज्ड प्रयोगशाला में टेस्ट कर सके। तो हमारी 5 प्रयोगशाला है जिसको हम आगे बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोकेटेड है। इसके साथ ही हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो भी SOP हमारे पास आई क्रॉप्स के डेवलप है और जो कि नोटिफाइड है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से, जो चाय क्रॉप की और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन हो जाएगा, एक जरबेरा की हमने डेवलप, इसके साथ ही कुछ और क्रॉप्स है जिसकी प्रोटोकॉल डेवलपमेंट हमारा रेफरल लैब में चल रहा है। तो SOP जो डेवलप होती है इसके लिए भी हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स को क्या क्या रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको हम SOP कहते हैं, ये टिश्यू कल्चर प्रोडक्शन फैसिलिटीज और ABLs के लिए डेवलप होता है रेफरल सेंटर में, कि वहाँ पर वो कैसे ही कम कीमत में अच्छे तरीके से और कम समय में टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बहुत सारे प्लांट्स को डेवलप कर सके। और ये डॉक्यूमेंट समय समय पर रिवाइज होता है और उसको अपडेट किया जा सकता है, जो कि अपडेटेड वर्जन हमेशा NCSTCP की साइट पे अवेलेबल होता है। और ये अपडेटेड प्रोटोकॉल्स हमारी ये वेबसाइट है dbt.ncstcp.nic.in से कोई भी नागरिक डाउनलोड कर सकता है। ये हम एक आप लोगों को बताने के लिए एक बनाना का SOP हम शेयर कर रहे हैं, बहुत जो कि हमने इसको बहुत सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से बताने की कोशिश किया है कि यहाँ पर जब हम मदर प्लांट सेलेक्ट करते हैं, जो जिसको कि सिलेक्शन आप सुपीरियर क्लोन कहते हैं, जो कि डिफरेंट आपको क्राइटेरिया मैंने बताया कि वो प्लांट जो हम क्लोन सेलेक्ट कर रहे हैं वो जिस प्लांट से ले रहे हैं वो वायरस फ्री है और उसकी प्रोडक्शन कैसा है, जो पर अलग अलग पैरामीटर्स पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम सर्टिफिकेशन करते हैं कि ये वायरस फ्री है, यानी सैंपल का जब ये अगर ये रिपोर्ट निगेटिव आती है उसके बाद ही हम अलाउ करते हैं टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज को कि उसको
कल्चर इनिशिएट करें मल्टीप्लीकेशन के लिए, और उसके बाद इस जब प्लांट्स को हम मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, प्लांट्स को हार्डनिंग यूनिट में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो फिर से यहाँ पर हम सर्टिफाई करते हैं किसानों को प्लांट नर्सरी से। जब प्लांट्स फार्मर्स के फील्ड में डिस्पैच होता है, उससे पहले फिर से हम लोग टेस्ट करते हैं कि यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में तो ऐसा नहीं कोई वायरस से इन्फेक्शन हो गया और प्लांट्स वायरस है, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स होता है, तो उसको हम लोग तुरंत डिस्कार्ड कराते हैं। जब ये प्लांट्स फार्मर्स को डिस्पैच होता है, उससे पहले वायरस ये सियोरिटी होना चाहिए कि प्लांट्स वायरस फ्री है और जेनेटिकली यूनिफॉर्म है, जो कि इस के रेफरेंस से ही होता है मदर प्लांट से। ये जो भी प्लांट्स बनते हैं ये हमेशा मदर प्लांट्स की जो टेस्टिंग होती है उसी से बनना चाहिए। तो जो भी प्लांट्स इसको टेस्टिंग होती है वो हमारी एक्रेडिटेड टेस्ट लैब्स में होती है, तो एक्रेडिटेड लैब्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं डायग्नोसिस, वायरस डायग्नोसिस और जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी के लिए फॉर द पर्पज ऑफ सर्टिफिकेशन। जो हमारे ATRs होते हैं ये टेस्ट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं कि यहाँ पर जो कि हमारे रेफरल लैब SOP जनरेट करती हैं, उसी SOP के तहत ये टेस्टिंग होती है, और उस टेस्टिंग के बेस पर अगर रिपोर्ट्स नेगेटिव है, कोई वायरस फ्री है, तभी सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी इशू किया जा सकता है हमारी ATL के द्वारा टिश्यू कल्चर प्रोडक्शन फैसिलिटीज को। सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी इसको करता है कि ये प्लांट्स वायरस फ्री है, और ये ATLs रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि हमारे जितनी भी ATL और रेफरल सेंटर होते हैं उसमें एक बैच का किट्स प्राइमर प्रोब्स जनरेट यूज होता है। ये नहीं कि किसी एक लैब में एक दूसरा कंपनी का और दूसरे बैच का केमिकल यूज हो रहा है दूसरे लैब में, तो सेम हर चीज यूनिफॉर्मिटी रखते हैं कि रेफरल लैब में ATL में सारी एक ही तरीके की किट्स और कंज्यूमर्स यूज हो। तो इसी के साथ यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि हमारी जो भी विभिन्न प्रयोगशालाएं हैं जिसको हम ATLs कहते हैं, एक्रेडिटेड टेस्ट लैब्स, वो कहाँ कहाँ चिन्हित है और भारत के किस किस क्षेत्र में सिचुएटेड है। तो जैसा मैंने बताया सबसे ज्यादा लैब्स हमारी महाराष्ट्र में है जो कि 21 प्रयोगशालाएं हैं, वहाँ पर हमारी 28 लैब है, वसंत दादा सुपर इंस्टीट्यूट VSI पुणे में जहाँ पर टेस्टिंग होती है। दूसरी प्रयोगशाला हमारी जो कि गुजरात में है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर 19 लैब्स है, तो यहाँ पर ये 19 लैब का टेस्टिंग करते हैं। इसके साथ ही कर्नाटका में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बैंगलोर अथराइज है, ATL है, यहाँ पर टेस्टिंग होती है। लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है, ये टेस्टिंग करती है, और इसके साथ ही हमारा पंजाब रीजन में भी नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो। तो इसी के साथ ये 5 प्रयोगशालाएं चिन्हित है, और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में या गुजरात में केवल गुजरात या महाराष्ट्र की इंडस्ट्री सैंपल दे सकती हैं। हमारी जो भी लैब्स है एक्रेडिटेड लैब वो कहीं पर भी इन 5 प्रयोगशाला में सैंपल भेज सकते हैं। सपोज एक पर्टिकुलर सीजन में यहाँ पर टेस्टिंग का लोड ज्यादा हो गया गुजरात और महाराष्ट्र में, तो यहाँ की इंडस्ट्रीज हमारी उत्तर प्रदेश में या मोहाली में या कर्नाटका में भी सैंपल भेज सकते हैं टेस्टिंग के लिए। कि हमें उसको एक सेट टाइम है उसी के अंदर टेस्टिंग होना होता है, तो हम लोग इसको लगता है कि किसी लैब में ज्यादा लोड है तो दूसरे लैब को हम कहते हैं कि इसको उस पर्टिकुलर लैब को हेल्प करें टेस्टिंग। यहाँ पर इसके भी कुछ रूल्स हैं कि कौन से लैब हमारे लिए रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं NCST-CAP के थ्रू। तो कोई भी लैब जो कि पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, NGO है, जो कि मिनिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी एटलीस्ट 0.5 मिलियन प्लांट्स हो, वो कुछ हमारे पैरामीटर्स हैं अभी आगे हम बताएंगे। उस अगर उस पैरामीटर्स में उस फुलफिल कर रही तो वो अप्लाई कर सकती है रिकॉग्निशन के लिए। यहाँ पर ये टिश्यू कल्चर कंपनीज को सुनिश्चित करना होता है कि जो भी इनकी टिश्यू कल्चर लैब्स हैं, हार्डनिंग यूनिट्स हैं, वो जब हमारी विजिट हो या जब अप्लाई करते हैं उस टाइम इनकी ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल कंडीशन में हो, मतलब फंक्शनल हो। ऐसा नहीं है कि हाँ हम अभी ये हम रिकॉग्निशन कराना चाह रहे हैं प्रयोगशाला बनाएंगे,
हम प्रयोगशालाओं को तभी रिकग्निशन देते हैं जब वो पूर्णतया फंक्शनल होती हैं। यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमने फोटोज लगाई है कि जो कि लैब में विजिट करते हैं, और जब ये पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाते हैं कि सारा प्रोसेस एक जो हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको कंपनी फॉलो कर रही है, उसी के तहत प्लांट्स को जनरेट कर रही है, तभी हम उनको रिकग्निशन या रिन्यूअल देते हैं। यहाँ पर जब हमारे एक्रेडिटेशन पैनल टीम होती है वो विजिट करती है, वो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है, स्टेबिलिटी कंडीशन देखती है, साइंटिफिक वर्किंग देखती है, और यहाँ पर हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि जो आप कर रहे हैं उसका प्रॉपर साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन रखें कि उसमें कितना किस साइकिल तक प्लांट्स जनरेट हुआ है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं कि टिश्यू कल्चर के, उसको सबका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है, और इसी जब ये सारी कंप्लायंस फुलफिल कर देती है मैंडेटरी पैरामीटर्स की, आगे हम दूसरे स्लाइड से बताएंगे, उसके बाद ही जो हमारी कमेटी फिजिकल विजिट करती है वो रिकमेंडेशन देती है कि इसका कंपनी का रिकग्निशन किया जाए या रिकग्निशन नहीं किया जाए। अगर रिकग्निशन कैंसिल हो जाता है तो उसकी केस में भी हम कंपनी को बताते हैं कि आप क्या क्या पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, उस पैरामीटर्स को कंपनी फुलफिल करने के बाद हमको पुनः इन्फॉर्म करती है कि अब हमारे इन्फॉर्म हुए, तो उसके लिए कुछ एक टाइम लाइन है, उसके बाद हम फिर से विजिट कराते हैं और अगर सही है तो रिकग्निशन दिया जाता है। ये हमारे मैंडेटरी पैरामीटर्स होते हैं कि इसमें हैंड और, क्योंकि इस केस में हमें बहुत ये सियोरिटी रखनी होती है स्टरिलिटी की, इसमें हमारे जो कि स्टराइल कंडीशन में प्लांट्स टिश्यू कल्चर कंडीशन में ग्रो करते हैं, तो इसमें सबसे पहला है कि हम हैंड और लेग वॉशिंग फैसिलिटी सेपरेट हो, और दूसरे फैसिलिटी ड्रेस चेंजिंग स्पेस हो, जो भी टिश्यू कल्चर या ग्रोथ चैम्बर में इंटर करे तो वहां पर एयर कर्टन की फैसिलिटी हो, एयर साउट की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। सपोज कोई काम कर रहा है टेक्निकल स्टाफ टिश्यू कल्चर लैब में, कोई कुछ ऐसा आंख में पड़ गया या शरीर पर पड़ गया कोई केमिकल, तो उसको तुरंत एयर सावर होना चाहिए जहाँ की वो तुरंत वॉशिंग कर ले। इसके साथ ही कंप्लीट लेआउट होनी चाहिए बिल्डिंग की, जो कि एक जहाँ पर यह हमेशा सुनिश्चित किया जाता है कि कोई क्रिस क्रॉस मूवमेंट नहीं हो, जहाँ की मटेरियल रखा जाता है स्टराइल और नॉन स्टराइल एरिया में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग, हैंड वॉशिंग, लेग वॉशिंग और ड्रेस चेंज और एयर साफ फैसिलिटी के साथ, कि कोई जब लैबोरेटरी इस तरीके से बनाई जाए कि वहां पे कहीं क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो, अदरवाइज क्या होगा कि अगर कोई फ्रीक्वेंटली मूव करेगा स्टराइल और नॉन स्टराइल एरिया में तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होता है सेफ्टी पैरामीटर्स, जो कि हमेशा एक इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए, कोई फायर हो गई, कुछ ऐसा कोई ऐसी घटनाएं घट गई कि तुरंत स्टाफ को बाहर आना है तो इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, और वहां पर जो फ्लोरोसेंट स्ट्रिप के थ्रू पाथ मार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि सपोज कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हो गए जहां पर सारी लाइट कट गई कुछ है, तो फ्लोरोसेंट स्ट्रिप वो एक मार्ग दिखाएंगे कि किधर से हमें एग्जिट करना है, क्योंकि वहां पर वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते रहते हैं। इसी के साथ स्मोक और फायर अलार्म होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होनी चाहिए, जो कि सपोज कोई छोटी घटना कुछ ऐसा सपोज स्प्रिट लैम्प है कुछ है कोई पलट गया कुछ है तो तुरंत हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू उसको हम बुझा सके। इसके साथ ही अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होनी चाहिए, तो इसी के तार कौन कौन से इक्विपमेंट है ये डिसाइड करना चाहते, तो ये इसके साथ ही, ये तो हमने एक एग्जांपल बताया, इसी के साथ कुछ और पैरामीटर्स हैं, ये मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं, इसी के साथ कुछ और पैरामीटर्स हैं जो कि हम इंटरेस्ट करते हैं कि वो कि कंपनी फुलफिल करे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी, उसको कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है जो कि किसी कल्चर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाह रहा है कहीं पर भी, तो उसको हम पूरी एसओपी सारी गाइडलाइंस सब कुछ आपको वेबसाइट से बिना किसी रजिस्ट्रेशन के मिल सकती है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर लीजिए
और उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है तो हमको आप वहाँ पर अलग अलग हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप NCSTCP के ईमेल आईडी वहाँ पर दी हुई है वेबसाइट पर उसको मेल करेंगे तो आपको क्वेरीज सॉल्व कर दी जाएगी विदिन 24 आवर्स। ये कुछ स्नैपशॉट्स हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट्स विजिट करते हैं तो लेबोरेटरी में यहाँ पर हार्डनिंग यूनिट में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी विजिट्स होती है। फिर जब हम साइंटिफिक ऑडिटिंग करते हैं उसमें हम सारे उनके रिकॉर्ड्स चेक करते हैं और उसके बाद ही इसका रिकॉग्निशन सब किया जा सकता है। तो जब कंपनी सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है तो इस तरीके से हम उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन देते हैं जिसमें कि उनकी हार्डनिंग कितनी कैपेसिटी है प्लांट्स को किस स्टेट में हमने उनको रिकॉग्निशन दिया और किस क्रॉप के लिए रिकॉग्निशन दिया। तो ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पर सर्टिफिकेट में मेंशन होते हैं जो कि उसके बाद जब रिन्यूअल होता है तो किस डेट में रिकॉग्निशन हो उसके बाद कौन कौन से रिन्यूअल हो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ रहती है। इसके साथ कि ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि नहीं है कोई पायरेटेड है कि नहीं तो इसको कोई भी हमारे किसान भाई या कोई भी व्यक्ति इस सर्टिफिकेट में हम ये QR कोड लगाते हैं इस QR कोड को स्कैन करेगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसको उसके मोबाइल में या लैपटॉप में जहाँ से भी होगा ये सारी इंफॉर्मेशन इस QR कोड को स्कैन करते ही मिल जाएगी। यहाँ पर हम अलग अलग क्रॉप्स को बताएं इसमें कौन कौन से मेन वायरसेस होते हैं और उसको किस मेथड के थ्रू हम टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एप्पल है, बनाना है, डेट पाम है, पोटैटो है, सुगर केन है, इसमें कौन कौन से वायरसेस हैं उसकी लिस्ट है और उसको हम या तो PCR के थ्रू या डुप्लेक्स PCR के थ्रू या एलाइजा मेथड से टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर जो बैग साइज होता है प्लांट्स का उसको भी हमने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि 100% मदर प्लांट्स की टेस्टिंग हो और जो हमारे टिश्यू कल्चर प्लांट्स होते हैं उसके अगर प्रोडक्शन कैपेसिटीज 1000 प्लांट का है तो उसके 1% प्लांट की टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है और ये 1% पर मिनिमम 10 प्लांट होने ही चाहिए। इसके साथ ही अगर उसकी कैपेसिटी 1000 से 10000 है तो 0.5% टेस्टिंग होनी चाहिए। इसी के साथ अगर 1,00,000 प्लांट कैपेसिटी है बैच साइज की तो 0.1% विद मिनिमम ऑफ 50 प्लांट्स की टेस्टिंग होनी चाहिए। ये कुछ हम इमेजेस रखे हैं कि कैसे हमारा PCR के थ्रू टेस्टिंग होती है। यहाँ पर ये हमारा मार्कर होता है, ये पॉजिटिव कंट्रोल है या ये निगेटिव कंट्रोल है। हमेशा ये पॉजिटिव और निगेटिव कंट्रोल इसलिए रखते हैं कि ये सारा प्रोसेस जो कि प्रयोगशाला में हुआ है ये सही है कि नहीं है ये चीज बताता है। यहाँ पर ये पॉजिटिव कंट्रोल है, यहाँ निगेटिव, देखिए निगेटिव कंट्रोल में कोई भी नहीं। उसके बाद ये एक दो वायरसेस हैं BSV और BVPV, तो यहाँ पर हम इससे देखते हैं कि ये प्लॉट वायरस है या नहीं है, इसको हम देख सकते हैं। इसी तरीके से जेनेटिक फिडेलिटी टेस्टिंग करते हैं। ये हमारे एक VSI प्रयोगशाला से हमें इमेजेस मिली है जिसको कि हमारे किसान भाइयों को और स्टूडेंट्स को बताने के लिए यहाँ पर रखा है। ये एलाइजा बेस्ड मेथड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कोई प्लांट वायरस पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये ऐसा कलर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है जो है कि ये CMV और BBRMV का पॉजिटिव CMV का है, ये BBRMV का है पॉजिटिव कंट्रोल। और इसी के साथ अगर जो कोई प्लांट वायरस पॉजिटिव होता है तो इस तरीके से कलर चेंज हो जाता है। इसी के साथ हम मैं खुशी है कि हम लोगों ने करीब करीब जब से NCSTCP का एग्जिस्टेंस से अभी तक हमने 750 मिलियन प्लांट्स को सर्टिफाई कर दिया है और पिछले एक वर्ष में हम करीब करीब 113 मिलियन प्लांट्स को टेस्टिंग किए हैं और इसको फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वायरस फ्री प्लांटिंग मटीरियल विभिन्न इंडस्ट्रीज के द्वारा। और ये सब प्लांट्स वायरस फ्री और जेनेटिक इंजीनियर होते हैं तो किस तरीके से सर्टिफाइड लेवल इशू किया जाता है किस प्रकार कंपनीज को और ये हर बैच के साथ इसको ये किसान भाइयों को प्रोवाइड करती है टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज के पास। यहाँ फिर से अगर ये लेवल कैसा है, इसमें कहाँ पे किस लैब ने टेस्टिंग हुई है और किस कौन से कंपनी ने टेस्टिंग कराई है किस प्राप्त, इसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है लेकिन फिर भी इसको भी QR कोड के थ्रू यहाँ पर स्कैन जैसे करेगा उसका सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी कोई भी क्रॉस चेक कर सकता है।
तो ये श्योर करता है कि कंप्लीट हिस्ट्री कि इसको किस क्या बैच इंफॉर्मेशन है इसकी सर्टिफिकेट इस पे कौन सी प्रोडक्शन कैपेसिटी से प्लांट जनरेट हुआ है क्या है सब इंफॉर्मेशन सर ये हम फिर निवेदन करेंगे किसान भाइयों से कि जब भी प्लांट्स खरीदे तो ये हमेशा सेव कर लें कि ये सर्टिफिकेट लेवल के साथ ही प्लांट्स को परचेस फिर भी अगर जब टेस्टिंग होती है तो ऐसा नहीं है सारे प्लांट्स निगेटिव भी होते हैं कुछ वायरस पॉजिटिव प्लांट्स मिलते भी हैं तो उस केस में हम ये श्योर करते हैं कि अगर पॉजिटिव प्लांट्स है या जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्लांट नहीं है तो उसको कैसे टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज सबसे पहले टिश्यू कल्चर जिस भी कंपनी का प्लांट आया है उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हैं कि ये प्लांट पॉजिटिव है और इसका सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हमारा ATL जो हमारे ऑफिस को इन्फॉर्म करता है NMC को और हम सुनिश्चित करते हैं कि या तो हमारा ATL का स्टाफ या हमारे NMC का स्टाफ या तो फिजिकली वहां पहुंच करके या चूंकि हमें प्लांट्स को इमीडिएटली डिस्पोज करना है तो हम कभी कभी वर्चुअली भी कनेक्ट करके प्लांट्स को अपने प्रेजेंस में ही डिस्पोज कराते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले एक गड्ढा खुदाया जाता है JCB से उसके बाद है इस पे इस तरीके इसको स्प्रे किया जाता है हर्बिसाइड ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बाद इसको फिर से मिट्टी में पैक कर दिया जाता है कि ये कहीं इन्फेक्शन ना फैला पाए। तो ये हमारे स्टाफ है एक VSI के यहाँ पर ये GKVK के PI प्रोफेसर मोहन राव इन्होंने विजिट किया जो कि डिस्कार्ड कराते हैं कभी कभी अगर हम लोग फिजिकली नहीं पहुंच पाते हैं तो ये हमारा स्टाफ वर्चुअल वहां जाकर के हमारे कलीग्स वर्चुअली सारे से पूरे प्रोसेस को वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं लाइव और इसको डिस्कार्ड कराते हैं। अगर कुछ केसेस में अगर हमारे मदर प्लांट या कुछ इसमें प्रयोगशाला में प्लांट्स हैं उस समय मिल गया तो उसको भी ऑटोक्लेव करके डिस्कार्ड कराया जाता है। इस तरह हम लोगों ने करीब करीब 12 लाख वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स को प्रिवेंट किया जो कि फार्मर्स के प्लांट ना पहुंचे इसको डिस्कार्ड किया गया। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस क्या है इस क्यों हमारे किसान भाई टिश्यू कल्चर वेस्ट प्लांट्स को ग्रो करें और इसमें बेनिफिट ये होता है कि ये प्लांट्स टाइप होता है बिल्कुल जो भी मदर प्लांट होता है उसी के तरीके से वो प्लांट ग्रो होता है इसमें कोई ऐसा वेरिएशन नहीं होता है कि इसमें दूसरा चीज है इसमें ये जब फील्ड में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है तो इसमें अच्छा रूट सिस्टम होता है तो फील्ड में अच्छे से स्टैब्लिश होता है। इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि ये प्लांट डिजीज फ्री होता है तो यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी यील्ड उसकी ज्यादा होगी ये प्लांट यूनिफॉर्म होता है तो एक ही समय पर प्लांट्स में सेट होता है यहाँ प्लांट्स यील्ड काफी ज्यादा देता है और इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है ये जल्दी होता है और ये प्लांट्स बहुत हर समय इसको किसी एक पर्टिकुलर आपको सीजन का वेट नहीं करना होता है टिश्यू कल्चर कंपनी से ये प्लांट आप राउंड द ईयर परचेज कर सकते हैं और अपने फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ हम एक टेबल के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं टिश्यू कल्चर रेज प्लांट्स को ग्रो करने में और सपोज यहाँ पर हमने कोई क्रॉप ऐसे ग्रो कर दिया जो कि वायरस फ्री है तो ये वो प्लांट वायरस इन्फेक्टेड है लेकिन ये दूसरे क्रॉप को भी इन्फेक्ट कर देगा क्योंकि इन्फेक्शन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इवन कई कई बार पूरे पूरे फील्ड को इन्फेक्ट कर देता है। यहाँ पर ये हेल्दी प्लांट्स है तो अगर हम देखें कि ये अलग अलग टेबल है इन्फेक्टेड कैटेगरी और हेल्दी प्लांट्स का जो कि हमने कंपेरेटिव डेटा बनाया है तो जो हमारे हेल्दी प्लांट होता है उसकी उसमें यील्ड ज्यादा होती है जो कि ये ससेप्टेबल होते जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं ससेप्टेबल होते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो होते हैं इसमें काफी ज्यादा क्रॉप यील्ड सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है दूसरी चीज है इन्फेक्शन का चांसेस कम होता है। तो यहाँ पर
जो कि ऊतक समर्थित केला का हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि इस रीजन में काफी ज्यादा केला और आलू की खेती होती है, तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको केला का बताया है। इसी तरीके से सारे क्रॉप का है, तो यहाँ पर अगर हम सारे पैरामीटर्स देखेंगे कि कितना यील्ड हुआ, क्या प्राइस मिला, कितना कास्ट, इवन अगर टिश्यू कल्चर रेस्ट प्लांट लगाए थोड़ा सा का इसमें से कास्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी अगर सब कुछ हम कंपेयर कर लेते हैं सारे पैरामीटर्स, तो जब टिश्यू कल्चर रेस्ट प्लांट्स को ग्रो करके करीब करीब 30% ज्यादा प्रॉफिट किसान भाइयों को मिलता है। तो इसी के साथ हम अगर देखें कि टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज से कैसे बनाना के केस में रिवॉल्यूशन लाया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च से अप्रैल 2013 में हमारा जो बनाना का एक्सपोर्ट था वो 26 करोड़ था, और अप्रैल 2022 में ये एक्सपोर्ट 213 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर अगर हम इससे कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि 703% की छलांग लगाते हुए हमारा करीब करीब 8-fold एक्सपोर्ट जंप हुआ बनाना के केस में। और ये हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसको ट्वीट किया कि इसको कैसे बनाना रिवॉल्यूशन हुआ टिश्यू कल्चर के थ्रू, और हमारी गवर्नमेंट और पुश कर रही है इसको इनकरेज कर रही है टिश्यू कल्चर सेक्टर को कि इसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़े, और वो फार्मर्स को इससे तरह तरह से सरकार की स्कीम्स हैं जो कि टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए सरकार देती है, इनकरेज करती है कि इस इंडस्ट्रीज को सेटअप हो और सब्सिडीज मिले। तो यहाँ पर बनाना की आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में अलग अलग टाइप की बनाना वैरायटी ग्रो होती है, जो कि कॉमन ये ब्रांड नेम है, ये खाद्य ग्रो होता है, नियंत्रण है, इसमें बीटा कैरोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जो कि आंख के लिए हमारे बहुत फायदामंद है, लेकिन ये वैरायटी केवल केरला में ग्रो करती है। इसी तरीके से रेड बनाना इसमें एंथोसाइनस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन साउथ इंडिया में, तो ये ब्रांड नेम वैरायटी होता है जो कि इंडिया में हर लोकेशन पे ग्रो होती है। तो और इस टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज भी सबसे ज्यादा मल्टीप्लीकेशन इसका प्रोपोगेशन ग्रैंड वैरायटी का ही करते हैं, आलू नियंत्रण केरला में जो वैरायटीज होती है वो नियंत्रण काफी ज्यादा ग्रो होता है, साउथ इंडिया में रेड बनाना ग्रो होता है। तो ग्रैंड नेम इज द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ बनाना, तो इसमें हम जो सेल्फ लाइफ होती है ये भी अच्छा होती है, और प्लस ये फ्रूट इसका काफी अट्रैक्टिव होता है जो कि गोल्डन येलो कलर का होता है, और ये वैरायटी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है जो कि बहुत फ्रेश फ्रूट प्रोसेस्ड फार्म में ग्रो यूज किया जाता है। इसके साथ ये तो किसान भाइयों का फायदा होता है, तो टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज क्यों सर्टिफिकेशन में उनका क्या बेनिफिट होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखें सबसे एक रेट जो कि टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज दूसरी लैब में टेस्टिंग कराते हैं तो उनका जो रेट होता है 2500 होता है, जो कि NCSTCP सर्टिफाइड लैब में ये सरकार काफी ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और ये हाईली सब्सिडाइज रेट होते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2500 प्लस GST होता है, यहाँ पर 1500 रुपये होता है। इसी तरीके से और दूसरे वायरसेस के लिए रेट्स है, यहाँ पर हम लोग केवल 100 रुपये पर सैंपल लेते हैं, जिसमें कि 5 वायरस टेस्ट कर लेते हैं कि रेस्पेक्टिव आपका कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, आइदर ELISA यूज करते हैं या PCR बेस्ड मेथड यूज करते हैं, और यहाँ पर सारे क्रॉप्स के लिए ये रेट हमारा स्टैंडर्ड रेट है, फिक्स है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा बेनिफिट होता है टेस्टिंग में, कि सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट लैब्स को, सर्टिफाइड लैब्स को, लेकिन यहाँ पर हमारी वही लैब्स ये ATL टेस्टिंग करेंगे जो कि NCSTCP सर्टिफाइड लैब्स होते हैं, उन्हीं सैंपल की टेस्ट हो सकती है, नॉन सर्टिफाइड लैब्स की ATLs पे टेस्टिंग नहीं होती। इसी तरीके से ये एक गवर्नमेंट प्लान जनरेट करती है इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, और वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज को, सब्जेक्टेड टू रिकॉग्निशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो NCSTCP के द्वारा अगर लैब एक्रेडिटेड है तो गवर्नमेंट फंडिंग भी मिलती है लैब सेटअप करने के लिए, प्लस जब ये इंडस्ट्रीज अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट टेंडर निकालती है प्लांट्स परचेज करने के लिए, तो बहुत सारे स्टेट्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये कंपल्सरी कर रखा है कि वही कंपनी वही टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज
अप्लाई कर सकती हैं टेंडर जो कि NCSTCP रिकॉग्नाइज्ड कॉन्टैक्ट है। ये हमने एक आपको टेंडर मध्य प्रदेश सरकार का दिखाया है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल का, इसी तरीके से तमिलनाडु का, आसाम का, ये सारे कंपनी कंपल्सरी रहती है कि वही लेवल अप्लाई कर सकती हैं टेंडर डॉक्यूमेंट टेंडर की जो कि NCSTCP रिकॉग्नाइज्ड लैब्स। इसके साथ ही इस डिस्पेंसर इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है सोशल और इकोनॉमिक वेलनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वर्क फोर्स काम करता है सालों में ये हमारे ग्रामीण महिलाएं काम करती हैं, और मोर देन 90% वर्कर्स इन द टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड। और यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज के द्वारा कि हम अपने स्किल और अनस्किल्ड वर्कफोर्स और स्पेशली वुमेन्स को हम यहाँ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं काम करने के लिए लैब में, इससे उनका भी सोशल और इकोनॉमिक वेलनेस होगा। डू वी हैव मोर टाइम? आप सभी स्टाफ सो इफ वी कैन जस्ट कैन समराइज नाउ। ओके ओके, सो दिस इज द कंक्लूजन। आई एम not going into deeper, so I think this is one another example of bamboo. Government is promoting bamboo nowadays, so I will quickly go through this bamboo mission. So bamboo mission, Rashtriya bamboo mission ke through bhi kisanon ko bamboo grow karne ke liye subsidy di jati hai 120 rupees prati ped, जो कि NCSTCP certified lab से अगर plants purchase किए जाते हैं तो government ये देती है। और इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे बम्बू से प्रोडक्ट्स डेवलप किए जा सकते हैं जो कि इसको हमारा प्लास्टिक का बहुत अच्छा अल्टरनेट हो सकता है बम्बू। इस बम्बू को बहुत सारे हम जगह पर यूज कर सकते हैं, बम्बू का बहुत सारा बेनिफिट है इंडस्ट्रीज में। यहाँ पर हम एक स्लाइड के थ्रू शो करना चाहते हैं कि जो कि वाइल्ड फॉरेस्ट में बम्बू ग्रो होता है उसकी प्रोडक्टिविटी 1 ton पर हेक्टेयर होती है। अगर हम कल्टिवेटेड बम्बू ग्रो करते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू तो उसका 10 to 20 acre प्रोडक्टिविटी हो जाता है पर टन पर हेक्टेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइल्ड वैरायटी वाइल्डली कल्टिवेटेड का 1 ton होता है, यहाँ पर 10 to 20 ton पर हेक्टेयर होता है। और अगर हम प्रिसीजन फार्मिंग करते हैं तो यहाँ पर 100 ton पर हेक्टेयर प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो यहाँ 1 ton से 100 ton प्रोडक्शन हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि कितना बेनिफिट हमारे किसान भाइयों को अगर वो प्रिसीजन फार्मिंग करें तो उससे हो सकता है। ये बम्बू के प्रोडक्ट्स की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, होम इलेक्ट्रॉनिक्स फार्निशिंग इसी के द्वारा, हमारे पावर प्लांट्स में भी इनका यूज होता है, बायोफ्यूल के तरीके से भी ये प्लांट ये यूज किए जाते हैं। ये प्रिसीजन फार्मिंग में डिफरेंट पैरामीटर्स है जो कि यूज कर सकते हैं, ये टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है। इसी के तरीके से ये डिपेंड करता है कि कौन से वराइटीज यूज करते हैं। इसी के साथ सबसे अच्छा बम्बू का यूज है कि बहुत अच्छा इससे ऑक्सीजन पार्क डेवलप कर सकते हैं। बीमा बम्बू होता है जो कि करीब करीब 1.5 feet रोज ग्रो करता है, और ये बेस्ट सोर्स हो सकता है कार्बन सिंक के लिए जो कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को रोकता है, और ये इसको जो कि सबसे ज्यादा एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है इसको इफेक्टिवली रोक सकता है, जो कि कार्बन पार्क इस तरीके से ऑक्सीजन पार्क आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से ये TNA ने डेवलप किया है पार्क को, ऑक्सीजन पार्क को इस बीमा बम्बू से। इसी तरीके से ये बम्बू कल्टिवेशन में भी इलेक्ट्रिसिटी में भी बम्बू का रोल है, जो कि 1 megawatt पावर प्लांट के लिए करीब करीब 200 acre बम्बू यूज कर सकते हैं और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो और इसको हम बायोथनॉल बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लिग्नोसेलुलोसिक कंटेंट होता है जो कि हमारे बायोथनॉल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये एक बायो CNG पावर प्लांट की फोटो है एग्रोस की, जो कि पुणे में स्टेब्लिश है, और ये करीब बहुत ज्यादा बम्बू का यूज कर सकता करता है। इसी के साथ टिश्यू कल्चर सेटअप के लिए भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है अगर वो लैब NCSTCP एक्रेडिटेड है। इसी के तरीके से बम्बू का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है। इसी के तरीके से पोटैटो का है, लेकिन समय की कमी की वजह से हम कभी फिर पोटैटो के बारे में बात करेंगे।
ये देखिए किस प्रकार टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बहुत अच्छी पोटैटो सीड जनरेट की जा सकती है, जो कि बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता है, जो कि कन्वेंशनल पोटैटो से कंपेयर करें तो बहुत अच्छा है। तो ये एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी गुड क्वालिटी और यूनिफॉर्म सीड ट्यूबर्स प्रोवाइड करता है, और ये छोटे छोटे ट्यूबर्स होते हैं, इसको ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी इजी होता है। आप देख सकते हैं अलग पैरामीटर्स आदि समय की कमी की वजह से हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा टेक्निक है एरोपोनिक्स, जो कि पोटैटो इंडस्ट्रीज यूज करते हैं पोटैटो सीड प्रोड्यूस करने के लिए। ये दूसरे क्रॉप से इस पर हम नहीं जाएंगे, कल है। इसी के तरीके से जो टिश्यू कल्चर से क्या एडवांटेजेस है कि ये बहुत कम समय में प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकता है और थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस कर सकता है। इसी के साथ हमारा NCSTCP, जो कि हम थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे इवन कोविड के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में फार्मर्स इसको ग्रो किए और इससे काफी ज्यादा रिकवरी हुई, इकोनॉमिक वेलनेस हुआ फार्मर्स का। ये हमारी NCSTCP की साइट है, यहाँ पर मैं निवेदन करूंगा सभी अपने इंडस्ट्री पीपल से भी और किसान भाइयों से भी कि यहाँ पर विजिट करें और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ आप सर्विसेज में जाएं और कॉन्टैक्ट अस में जा करके आप हमको मेल करें, अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको विदिन 24 आवर्स उस क्वेरी का सोल्यूशन मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक लिंक्स जहाँ से कि आप कंप्लीट गाइडलाइंस डाउनलोड कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर प्रोडक्शन यूनिट्स कौन कौन सी किस क्षेत्र में कौन कौन सी ये देख सकते हैं, टिश्यू कल्चर लैब स्टैब्लिश करनी है तो उसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट क्लास के क्या क्या एसओपी सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये अगर किसी को अप्लाई करना है रिकॉग्निशन के लिए तो यहाँ से रजिस्टर करने के बाद अपना अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सभी साथियों का NCSTCP में, इसके साथ ही हम अपने निदेशक महोदय का सपोर्ट के लिए जो हमेशा उनका मार्गदर्शन रहता है, सब कुछ भी सजेशन रहता है, तो प्लस इसी के साथ डॉक्टर मनोज मोदी जो कि नोडल ऑफिसर है NCSTCP प्रोग्राम के DVP में, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने सभी सम्मानित कमेटी के चेयरपर्सन का और उसके सदस्यों का जो कि APEX, PRDC और एक्रेडिटेशन पैनल में है, जो कि हमें टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हमारे सजेशंस भी होते हैं और हमारे लैब के साथियों का ATS और रेफरल सेंटर्स के और हमारे साथ सभी इंडस्ट्री के सर NCSTCP रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री साथियों का फाइनेंशियल सपोर्ट इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें DVT से मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए फंडिंग एजेंसी का भी धन्यवाद। इसके साथ ही अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे खुशी होगी सॉल्व करने के लिए, कोई भी कोई क्वेश्चन हो। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you for sharing us on the techniques, processes, requirements, and opportunities in plant tissue culture, for especially for entrepreneurs. हमारे पास एक question आया है mail में. It asked that we got to know about the commercially important crops, but can you please throw some light on the species harvested from the wild? Will it be economically feasible? Because economic feasibility is the most important parameter in any for any entrepreneur. So if I see in this, it depends upon the different locations. So currently like banana, if we see our food crops of banana, potato, banana, apple, pomegranates, these are the crops in case of tubers. So this is the potato is important in this area. So if we see about the geographical location in this state, so banana, potato, and sugar cane is the most demanding crops. Okay, thank you, sir. And the variety, the so if we see the talk about gram. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन। आज चूंकि समय से पीछे चले, हाँ सर, एक छोटा सा सवाल जो किसान भाई पूछा करते हैं कि अगर एक छोटी प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी बनाना चाहे
उन्हें कितना लागत लगानी पड़ेगी, उससे कितना लाभ कमा सकते हैं? अगर उनकी अपनी जमीन है तो सबसे ज्यादा कास्ट लैंड का है, तो अगर किसान भाई अपने ही जमीन पर उसको जमीन है तो आप मान के चलिए कि करीब करीब 10 से 15-20 लाख, 15 लाख रुपए में बहुत अच्छी लैब बन सकती है। और इसके लिए भी जो हमारी नाबार्ड है, बैंक है, वो उसके लिए हम आर्थिक रूप से मदद करती है, लोन भी प्रोवाइड कर देती है इजीली। और इसके बाद भी जब लैब फंक्शनल हो जाती है, तो अगर NCS TCP से सर्टिफाई हो जाती है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से सब्सिडी भी मिलती है, अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है। इसके साथ ही आप कोई जरूरी नहीं है 5 करोड़ रुपए लगा करके प्रयोगशाला बनाई जाए, आप कम से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है आप उसको समय समय पर अपग्रेड कर सकते हैं, और अपग्रेड करने पर भी सब्सिडी भी उसी हिसाब से प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ती जाती है। सपोज किसी ने स्टार्ट किया 20,000 प्लांट बनाने से लागत कम लगेगी है, अगर कोई 1 लाख से प्रोडक्शन कैपेसिटी से बनाता है तो उसकी लागत बढ़ जाती है। इसी तरीके से एक छोटे स्केल पे लैब बनाए और उसके बाद उसको जैसे जैसे उस आपका सेल होता जाता है प्लांट, आप हर साल उसको अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे ही ग्रो करती है। थैंक यू सर। तो इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाएगा कि कितना न्यूनतम क्षेत्रफल, हाउ मच कंस्ट्रक्टेड एरिया डू यू रिक्वायर टू बिगिन ए वायबल टिश्यू कल्चर लैब? आई थिंक 10,000 स्क्वायर फीट वुड बी मोर देन एनफ। ओके, एंड दैट विल लीड टू दैट मिनिमल दैट यू सेड फॉर टीसीपी ऑफ 5 लाख प्लांट्स? यस सर। Because if suppose space is standard, so they can also develop the hardening unit in another place. So, you know, the concept in rural sector, one is ke aapne unko tissue culture plant uplabdh kara diye aur usse unki aay mein ya unko labh ho gaya, kyunki uske jo aapne gun ginwaye usse kisanon ko fayda hoga. लेकिन दूसरी ओर किसान इस श्रृंखला से भी जुड़ना चाहते हैं कि वो खुद टिश्यू कल्चर प्लांट रेज करें। बिल्कुल, हम लोग इसलिए प्रमोट करते हैं किसान भाइयों को कि वो खुद जुड़े, क्योंकि जब तक जुड़ेंगे नहीं इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी नहीं, और किसान भाई अगर खुद करेंगे तो ज्यादा समझेंगे उसको अच्छे तरीके से, और बिल्कुल करना चाहिए। इसके लिए पूरी तरीके से हम लोग सपोर्ट करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम जगह जो वहाँ पर करते हैं, वहाँ प्रोग्रेसिव फार्मर्स को इन्वाइट करते हैं और इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आगे बढ़े, सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। तो उसमें जब कोई जुड़ना चाहता है उसको समय समय पर गाइडेंस चाहिए होगी, एडवाइजरी चाहिए होगी, तो वो निशुल्क होती है? बिल्कुल, पूरी तरीके से निःशुल्क होती है। हमारे पास एक इसके लिए स्टाफ है एक्सपर्ट, जिसको हम मॉनिटरिंग एंड ग्रीवेंस ऑफिसर कहते हैं। उसका ये काम ही है कि वो हमें सबको एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करे। उसके साथ ही अगर कोई और कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, कुछ और प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, तो हमारे पास जो इसके DBT की कमेटीज है उसमें एक्सपर्ट्स है, तो वो हमें सजेशंस देते हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी डे हुआ, नेशनल साइंस डे हुआ, तो वहाँ पर वो हम सब कंपनी से कहते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो ओपन एटलीस्ट वन डे, वो उसको ओपन डे सेलिब्रेट करें, जहाँ की उसको सब दिखाए। और कई बार कहते हैं, जैसे हम लोग समय समय पर विजिट करते हैं, तो किसी के भी फार्मर्स का या किसी भी पर्सन का रिक्वेस्ट आता है कि हम देखना चाहते हैं प्रयोगशाला, तो हम वहां पर जब जाते हैं तो विजिट करा देते हैं। आपने एक बात बताई थी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए होगी आपको, जैसे तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये थोड़ा, तो मेरे किसान का तो प्रश्न ये है कि क्या सौर ऊर्जा से वो ऐसी लैब बना सकता है जिससे अनइंटरप्टेड पावर, तो उसकी क्या लागत आएगी? हाँ, सौर ऊर्जा में थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा, करीब करीब मान के चलिए कि जो हमारे पावर सप्लाई डिपेंड करता है एट, तो उसके लिए करीब करीब 5 लाख रुपए हमारा एक्स्ट्रा लगेगा। 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा में वो 10,000 स्क्वायर फीट को फीड कर पाएगा जी। और अगर कोई कुछ किसान मिलकर,
सर पावर की पावर सप्लाई जो चाहिए वो सब केवल हमारी लैब के लिए चाहिए होता है, जो कि ग्रोथ चैम्बर्स होते हैं वहाँ के लिए, क्योंकि जब प्लांट्स हार्डनिंग यूनिट में आ जाएगा तो वहाँ पर अगर लाइट कट भी जाती है थोड़ी देर के लिए, तो क्योंकि वहाँ पर हमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होती है, वो कि एयर कूलर से मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पर मतलब इतना जो, क्योंकि जब प्लांट्स मल्टीप्लिकेशन कल्चर रूम्स में रहते हैं वहाँ पर टेम्परेचर चाहिए, प्लस लेमिनार पर जहाँ काम करते हैं तो उसके लिए छोटा भी सेटअप रहता है तो काम चल जाता है। तो TCPF जो बनाना चाहता है उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन? ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर स्टाफ है उसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट पर्सन शुड ग्रेजुएट, लेकिन ग्रेजुएट इन साइंस या ग्रेजुएट किसी भी आर्ट्स में भी हो सकता है, कॉमर्स में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जो स्टाफ होता है अगर ग्रेजुएट इन साइंस है तो वो अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझेगा कि कितना मल्टीप्लीकेशन हो क्या है, तो उससे बेनिफिट होता है उसी का, और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है, आज भी जिन लोगों ने सुना होगा वो डॉक्टर AK सिंह से भी बात करेंगे, मेरे से भी करेंगे, बाकी लोगों से भी करेंगे, तो उनका प्रश्न ये होगा कि अब हमारा ये शुरू करवाइए। बिल्कुल सर, आप कोई भी ऐसा है, हमें बहुत खुशी होगी अगर कोई यहाँ पर इवन लखनऊ रीजन में करना चाहता है तो हम उसको, हमारे बाराबंकी में प्रयोगशाला है, यहाँ शुगर केन इंस्टीट्यूट में भी हम वहाँ पर विजिट करा देंगे, देख भी सकता है, और उसको जो भी हमसे सपोर्ट चाहिए प्रोटोकॉल के लिए या उसके उसकी गाइडलाइन कैसे बनानी है उसको सब हमारा निःशुल्क मिलेगा, उसको पूरा गाइडेंस। तो हम एक FPO बनवा सकते हैं जिस जो ये करना चाहे, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, राइट? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आई विल बी वेरी हैप्पी, और इसके लिए कोई भी इसका चार्जेस नहीं है, एडवाइजरी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। नहीं, एडवाइजरी ऑन साइट या आपके पास आना पड़ेगा? एडवाइजरी हम अगर जरूरत पड़ी तो ऑन साइट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पर भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। थैंक यू डॉक्टर मनिका। सर प्रथम हम डॉक्टर आशुतोष पांडे को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज यहाँ उपस्थित होकर फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन के मंच पर और फसल से सफल जो वेब सीरीज है इसमें उन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर के व्यावसायिक आस्पेक्ट से अपना व्याख्यान दिया, और उन्होंने जैसे बताया कि करीब 8 या बल्कि 12 किस्म की फसलें हैं जिनके की गुणवत्तापूर्ण जो पौधे बनाने के लिए कम समय में एक समान यूनिफॉर्म क्वालिटी के और वो भी डिजीज फ्री इस प्रकार से आप बना सकते हैं, और जिनकी उत्पादन से और जिनकी खेती से किसानों को बहुत लाभ हो रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने बनाना का एग्जाम्पल दिया केले का कि कई सौ गुना उत्पादन बढ़ा और एक्सपोर्ट भी बढ़ा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉक रही आज की, और आगे आने वाले समय में हम ये चाहेंगे कि कभी ऑन साइट या ऑनलाइन जैसे भी है ये लेक्चर हो और उसमें ये संक्षिप्त रूप से बताया जाए कि हम एक विशेष प्रकार की जो चुनी हुई फसल है उसके लिए हम टिश्यू कल्चर फैसिलिटी कैसे स्थापित करें, बिल्कुल प्रैक्टिकल आस्पेक्ट जिसमें कि जो युवा किसान है, शिक्षित किसान है और जो उद्यमी है वो भाग ले सके, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी आशा व्यक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष पांडे आपका कि यहाँ पर आने के लिए, और हमारे जितने श्रोतागण जितने भी दर्शक जुड़े रहे मैं उनका भी आभारी हूँ, और उनसे जो इनपुट मिलेगा, जो क्वेश्चन होंगे आगे भी, और अगर वो संपर्क करना चाहेंगे NIPGR में डॉक्टर आशुतोष पांडे से, उनका स्वागत है। हमारे अध्यक्ष महोदय जो डॉक्टर खनुजा साहब जो समय समय पर इस प्रकार के लेक्चर्स और स्पीकर्स को की सलाह देते रहते हैं और उनका लेक्चर कराने के लिए
हमेशा आशान्वित रहते हैं और हम उनका भी आभार प्रदर्शन करते हैं। हमारी जो टीम है डॉक्टर मनिका, डॉक्टर नीरज और फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन से तमाम जुड़े हुए जो सदस्यगण हैं जो फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और अगले सत्र में यानी कि अगले माह सेकेंड सैटरडे को फिर एक नए एक्सपर्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे। इसके साथ हम नमस्कार कहते हैं, धन्यवाद।